Samsung Galaxy M32। तो फ्रेंड्स फाइनली इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधा बिट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Samsung Galaxy M32। तो गाइस सबसे पहले तो आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करते हो फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्स न्यू, यानी कि इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो इसकी साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 184 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एंड्रॉयड 13 UI 5 के आने के बाद ये पहला सॉफ्टवेयर अपडेट इस फ़ोन के अंदर जो आया है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक है इंस्टॉल नाउ और दूसरा है स्केड्यूल इंस्टॉल। तो गाइज़ आपको फिलहाल इस फ़ोन के अंदर अभी रिसेंटली सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको कुछ सेकंड्स जो वेट करना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट। तो ये प्रोसेस फिलहाल जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में चला गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो Samsung Galaxy लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे जितने भी फिलहाल प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, जो कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। और एक बात फ्रेंड्स कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करते हो तो ओनली फॉर आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, यहाँ पे आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चार्जिंग जो यहाँ पे आपको 50% से ऊपर रखना है, फिर ऐसा भी ना हो कि हमारा फ़ोन जो वो चार्जिंग की वजह से स्टार्ट ही ना हो पाए। तो आप जब भी इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तब आपका चार्जिंग जो यहाँ पे आपको 50% से ऊपर रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेस स्लोली जो वो हो रही है, यू नो ये ख़त्म होने में करीब 5 मिनट जितना टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है जब तक ये प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। तो गाइज वो प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे अगेन Samsung Galaxy की ब्रांडिंग आ चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग एप्स, ये प्रोसेस भी 100% होने तक आपको वेट करना है, और ये ऑटोमेटिकली होती है। और गाइज ये प्रोसेस तो बहुत ही फास्टली हो गई, यहाँ पे आप देख ही सकते हो बात करते करते ही 100% हो चुकी है। और गाइज फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, यू नो अभी रिसेंटली हमने इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं, तो आप चेक करना चाहो तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट में सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो कम्प्लीटली हट चुका है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो कम्प्लीटली हट चुका है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप Samsung Galaxy M32 के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।